इस कहानी के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में मुंजिया नाम का भूत का प्रकार है। मुंजिया एक ब्राह्मण लड़के का भूत होता है जिसकी मृत्यु उपयन यानी कि मुंजा होने के पहले ही हो चुकी होती है। वैसे तो छोटे बच्चों की इच्छाएं इतनी दृढ़ नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी ही इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं, और ऐसा ब्राह्मण बच्चा जिसकी कोई दृढ़ इच्छा अधूरी रह जाए, मरने के बाद वो मुंजा बन जाता है। मुंजा या तो पीपल के पेड़ पर वास करता है या कोई कुएं में। ज्यादातर मुंजिया लोगों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोगों का जीना मुश्किल कर देते। अमावस की रात थी, सब तरफ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी, लेकिन गांव से बाहर तात्या साहेब पाटिल के बाड़ी के आंगन में कुछ मंत्रों का जाप हो रहा था। 200 साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ खौफनाक रसम हो रही थी। पेड़ के नीचे सोजर बाई, उसका पति तात्या साहेब और उनके दो नौकर धनाजी और अनाजी और छोटी लड़की बंधे हुए हालत में एक काले पत्थर पर छाती के बल पड़ी हुई है। उसका मुंह बंद है। अनाजी उस लड़की को उस पत्थर पर दबाए खड़ा है और धनाजी के हाथ में कुल्हाड़ी है। उनके पीछे सोजर भाई अग्नि के सामने बैठी है और उसका पति उसके बगल में खड़ा तमाशा देख रहा है। हे तारणहार, मैं तुम्हें इस कुंवारी लड़की की भेंट चढ़ा रही हूँ। कुंवारी लड़की छटपटा रही है और चिल्लाने की कोशिश कर रही है। कृपया इसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाओ और इसकी आत्मा के साथ अपनी इच्छाएं पूरी करो और बदले में मेरी मनोकामना पूरी करो। उसके बाद सोजर अपने हाथों से अपने गले पर अंगूठा घुसाकर इशारा करती है और धनाजी उस बच्ची के गले पर कुल्हाड़ी मारता है और धनाजी के चेहरे पर खून की छींटे उड़ती है और लड़की का कटा सर जमीन पर गिरता है। लड़की को छोड़ो और जल्दी से वाड़े के अंदर भागो, वो आता ही होगा, और मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना वरना उसका निवाला तुम बनोगे। और उसके बाद सभी लोग भागते हुए वाड़े में चले गए। दूसरी तरफ उस पीपल के पेड़ पर कुछ हलचल हो रही थी। तभी पेड़ से मुंजिया ने जमीन पर छलांग लगाई। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगा, ये तसल्ली करने के लिए कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। और तभी उसे दूर एक पेड़ के नीचे किसी आदमी के होने की भनक लगी और वो फिर से पीपल पर चढ़ गया। वो आदमी मुंजा को देख बहुत डर गया था। गांव के वीरानों में मिल रही कुंवारी लड़कियों की लाशों के पीछे छुपा राज उसके सामने आ गया था। इसका मतलब उस पीपल पर मुंजिया का वास है और पाटिल ही कुंवारी लड़कियों की बलि मुंजिया को चढ़ा रहे हैं। लेकिन तभी उसे पेड़ के ऊपर से कुछ हलचल महसूस हुई। उसने ऊपर पेड़ पर देखा और उसके पैरों तले जमीन फिसल गई, क्योंकि मुंजिया उसी पेड़ पर आ गया था। वह डर के मारे चीखा, लेकिन तभी मुंजिया ने उसके कंधे पर छलांग लगाई और उसकी गर्दन मरोड़ दी। कुछ 8 महीने पहले तात्या साहेब का वाड़ा। और जोर लगाओ। अनाजी और धनाजी दरवाजे पर लात मार रहे थे। वो अंदर पहुंचते हैं तो छत से सोजर भाई फंदे पर लटक रही थी और अपने पैर हिलाते हुए तड़प रही थी। धनाजी और अनाजी ने भागते हुए उसके पैर उठाए। कुछ देर बाद, ये तुम क्या करने जा रही थी? तो फिर क्या करूं? शादी, हमारी शादी को 25 साल बीत गए हैं, लेकिन मैं अभी भी कोई संतान को जन्म नहीं दे पा रही हूँ। अरे कितने वैद, कितनी औषधि खा ली, बहुत मंदिर मस्जिद घूम आए हैं, बहुत कुछ कर लिया हमने, लेकिन फिर भी मैं बांझ की बांझ ही रह गई। अब मैं जी कर भी क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मुझे आज ही बाभल गांव के एक तांत्रिक के बारे में पता चला है, अब सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। दूसरे दिन काले कपड़े पहना एक तांत्रिक जमीन पर बैठा है। उसके सामने सोजर भाई और तात्या साहब बैठे हुए हैं। तुम्हारे पिताजी ने 30 साल पहले वो बाड़ा एक ब्राह्मण से खरीदा है। वो बाड़ा खरीदने के बाद तुम्हारे पिताजी आंगन के ही कुएं में डूब मर गए। है बाबा जी, वो एक हादसा था। नहीं, वो हादसा नहीं था। क्या आंगन में एक 200 साल पुराना बड़ा सा पीपल का पेड़ है? है बाबा जी। उस पेड़ पर एक मुंजिया का वास है। क्या मतलब एक ब्राह्मण लड़के की आत्मा? हाँ, वो मुंजिया वाड़े के पहले मालिक का बेटा है जो कि एक ब्राह्मण था। उसका बड़ा बेटा माधव चोड़ मुंज करने से पहले ही आंगन के कुएं में डूब कर मर गया। उसकी कुछ ही महीनों में शादी होने वाली थी, उसमें वासना भरी थी,
जो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो मुंजिया बन गया। 32 साल से वो उस पीपल पेड़ पर रह रहा है। वो काफी दुखी है क्योंकि उसकी इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई है। वो चाहता है कि तुम उसकी वो इच्छा पूरी करो, इसीलिए उसने तुम्हारे परिवार पर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया, ताकि तुम उससे तंग आकर उसकी इच्छा पूरी करो। उसने तुम्हारे पिताजी को कुएं में डुबा कर मार डाला, लेकिन फिर भी तुम लोग उसके इशारे को नहीं समझ पाए। इतने साल से तुम्हारे बच्चे नहीं हुए, फिर भी तुम्हें इस मुंजिया के बारे में पता नहीं चला। खैर, वो चाहता है कि तुम उसे खुश करो और फिर तुम्हें खुद की संतान होगी। तो अब क्या करें बाबा जी? मुंजिया को खुश करो। लेकिन कैसे? उसे 4 कुंवारी लड़कियों की बलि चढ़ाओ। ये सुन वो दोनों काफी चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन कुंवारी लड़कियों की बलि लेकर वो क्या करेगा? क्या वो अपनी वासना उनकी आत्माओं से पूरी करेगा? पता नहीं, लेकिन वो कुंवारी लड़कियों का खून पीना चाहता है और उनकी आत्माएं अपने कब्जे में करना चाहता है। तुम इस बात को ठंडे दिमाग से विचार करो। इसके बाद वो दोनों वाड़ी पर आए। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो मुंजिया को खुश करने के लिए 4 कुंवारी लड़कियों की बलि देंगे। तात्या साहब ने उसके 2 वफादार नौकरों को बुलाया। अनाजी और धनाजी दोनों सगे भाई थे और पीढ़ी पर पीढ़ी उनके खानदान के मर्द पाटिल के यहाँ नौकरी करते आ रहे थे। तात्या साहब ने उन्हें कुंवारी लड़कियों को उठाने का जिम्मा दिया और उसके बाद वो आदिवासी गरीब गांव वाले और बंजरों की कुंवारी बच्चियां उठाने लगे। उन्होंने 4थी बलि चढ़ाई, लेकिन उसके 3-4 महीने बाद भी सोजरबाई पेट से नहीं हो पाई। यह देख वो फिर से तांत्रिक के पास गए। तब तांत्रिक ने कहा कि मुंजिया अभी खुश नहीं हुआ, वो तुम्हारा उसके प्रति पूरा समर्पण चाहता है और चाहता है कि तुम उसे तब तक कुंवारी लड़कियों की बलि चढ़ाओ जब तक वह खुश ना हो जाए। तात्या साहब और सोजर भाई के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो इसके लिए राजी हो गए और फिर बलि का सिलसिला शुरू हो गया। गरीबों की कुंवारी लड़कियां उठाए जाने लगी और उनकी बलि मुंजिया को चढ़ाई जाने लगी और मुंजिया उनके खून से अपनी प्यास बुझाने लगा। वह कुंवारी लड़कियों के आत्माओं के साथ ना जाने क्या करता, इसकी खबर किसी को नहीं थी। इस इलाके में हो रहे हत्याओं से पूरा महाराष्ट्र दहल उठा था। लोग अपने बच्चियों को दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। पुलिस इस पर अपनी जांच कर रही थी, लेकिन आरोपी कोई भी सबूत नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए मुंबई से सीआईडी ऑफिसर देश पांडे अपनी टीम के साथ उस गांव में पहुंचे। उन्होंने जांच शुरू की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। आज का दिन कुछ बंजारों को गांव के जंगलों में अन्ना की लाश मिल गई, जिसकी गर्दन मरोड़ दी गई थी। उसका सर पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। सीआईडी ऑफिसर देश पांडे उस जगह पहुंच गए। उस जगह से पाटिल का वाड़ा बस सामने ही था। तभी उसकी नजर उस पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। यह हत्या बाकी हत्याओं से अलग है, क्योंकि इसकी मौत गला काट कर नहीं हुई है। हाँ सर, लेकिन जिस तरह से इस आदमी का सिर उल्टा मोड़ दिया है, इससे ये पता चल रहा है कि ये काम किसी साधारण आदमी का नहीं है, ये कोई पहलवान का काम है। लेकिन शायद इस हत्या का बाकी हत्याओं से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कुंवारी लड़कियों की हत्याएं बलि के लिए की गई है। ये कुंवारी लड़कियों की बलि कैसे चढ़ाई जाती है? उसी इलाके का एक हवलदार उनके साथ था, वो बोला। जी, किसी देवी को या फिर भूत या राक्षस को साहब। क्या भूत प्रेत पीपल के पेड़ पर रहते हैं? ऑफिसर देश पांडे ने उस पीपल की ओर देखकर कहा। हाँ साहब। पुलिस को वहाँ देख पाटिल के दोनों आदमी धनाजी और सनाजी वहाँ पहुंचे। उन दो पहलवानों को देखकर देश पांडे उन पर ही शक करने लगे। खैर, उसके बाद जांच के दौरान वो मृतक अन्ना के घर पहुंचे। क्या आपके पति की किसी से दुश्मनी थी? नहीं जी, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी हत्या पाटिल के आदमी धनाजी और अनाजी ने की है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि एक रात जब वो खेत से लौट रहे थे, तब उन्हें रास्ते में अनाजी और धनाजी जमीन खोदते हुए दिखे थे। उनके पास ही जमीन पर एक बोरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई इंसान हो। जब उन्होंने उनसे पूछा कि उसमें क्या है, तो वो बोले कि इसमें गाय का मरा हुआ बछड़ा है। लेकिन उन्हें शक हुआ, क्योंकि इतनी रात को कौन बछड़ा दफनाता है, और उसके ठीक 7-8 दिन बाद गांव के दूसरी जगह कुत्तों ने जमीन से एक लड़की की लाश कुरेद कर बाहर निकाली थी। शायद मेरी पति उन पर ही नजर रख रहे थे और उन्होंने कुछ देख लिया था, इसीलिए उन दोनों ने उनकी हत्या कर दी। ये सुन ऑफिसर देश पांडे को
हत्याओं की जांच में मजबूत दिशा मिल चुकी थी। उन्होंने धनाजी और अनाजी पर पूरी नजर रखी, लेकिन धनाजी और अनाजी काफी तेज और चालाक थे। अनाजी और धनाजी को ये बात पता चल गई कि पुलिस उन पर नजर रखे हुए है। शाम को वो वाड़ी के पिछले दरवाजे से बाहर निकले और जंगलों से दूसरे गांव की तरफ गए। वहां से गुजरते वक्त उन्हें जंगल में एक औरत दिखाई दी जो 9-10 साल की बच्ची के साथ जंगल में लकड़ियां जमा कर रही थी। अनाजी ने चुपचाप पीछे से जाकर उस औरत के सिर में लाठी मारी और औरत बेहोश हो गई। उसके बाद अनाजी ने बच्ची का मुंह दबाकर उसे उठा लिया और उसे वाड़े में ले आया। रात हो चुकी थी, सब तरफ अंधेरा छा गया था। रात के 12 बज रहे थे। मालकिन, एक बार फिर से सोच लो, पुलिस वाड़े पर नजर रखे हुए है। अगर आज हम बलि चढ़ाएंगे तो पुलिस हमें रंगे हाथों पकड़ लेगी। मुझे मुंजिया के प्रति समर्पण दिखाना है। अगर पुलिस वालों से डरकर मैंने बलि नहीं चढ़ाई तो मुंजिया गुस्सा हो जाएगा और मेरे सभी किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हम रुक नहीं सकते। अगर पुलिस बीच में आती भी है तो भी हम बच्ची की बलि चढ़ाएंगे। ऐसा कहकर वो लोग बच्ची को लेकर आंगन के पीपल के पेड़ के नीचे आ गए और उन्होंने तेजी से बलि की विधि शुरू कर दी। अनाजी बच्ची के हाथ पांव और मुंह बांधकर उसे पत्थर पर दबाए बैठा था और धनाजी हाथ में कुल्हाड़ी लिए सोजर बाई की आज्ञा का इंतजार कर रहा था। हे मुंजिया, मेरे तारणहार, इस कुंवारी बच्ची की बलि स्वीकार करो। वो आगे बोलने ही वाली थी कि तभी रिवॉल्वर से गोली चलने की आवाज आई। ऑफिसर देशपांडे वहां अपनी टीम के साथ पहुंच गए थे। रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। ऑफिसर देशपांडे धनाजी पर दूर से रिवॉल्वर ओकते हुए बोला। मुझ पर कृपा करो मुंजिया, धनाजी काट दो। और तभी धनाजी ने कुल्हाड़ी हवा में उठाई। ऑफिसर देशपांडे ने उस पर गोली चलाई और गोली उसके सीने पर लगी, लेकिन धनाजी रुका नहीं। उसने जख्मी होते हुए भी बच्ची के गले पर कुल्हाड़ी मारी और बच्ची की गर्दन कट गई। उसका सिर जमीन पर गिर गया और कटोरी में धड़ से निकलता खून गिरने लगा। धनाजी अपनी वफादारी साबित करते हुए मारा गया और जमीन पर गिर गया। जंगल में भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। सोजर भाई चिल्लाई और जंगल में भागने लगी। उसके पीछे पाटिल और अनाजी जंगल में भागे। ऑफिसर और उसकी टीम उनका पीछा करने लगी, लेकिन लोकल हवलदार बच्ची की तरफ भागा। वह निर्दयी हत्या देख उसका दिल दहल उठा था। तभी उसे पेड़ से हलचल सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह चिल्लाया, लेकिन तभी मुंजिया ने उस पर छलांग लगाई। दूसरी तरफ ऑफिसर देश पांडे और उनकी टीम ने सोजर बाई, उसका पति और अनाजी को पकड़ लिया। जब वो वापस पीपल के पेड़ के पास आए तो सामने का नजारा देखकर वो सिर से पांव तक हिल गए, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे हवलदार की बड़ी डरावनी तरीके से मुड़ी हुई लाश पड़ी थी। सोजर भाई ने बच्ची की लाश की तरफ देखा, वहां पर उसका कटा सिर नहीं था। वह देख वो खुशी से चिल्लाई, उसने सिर उठा लिया, उसने सिर उठा लिया। मुंजिया खुश हो गया। यह सुन उसका पति तात्या साहेब पाटिल भी खुशी से नाच उठा। पुलिस ने उन्हें अपने हिरासत में ले लिया, लेकिन कुछ ही दिन में अनाजी ने पुलिस कस्टडी में खुद की ही गर्दन मरोड़कर खुदकुशी कर ली, ताकि कोर्ट को उसके मालिक और मालकिन के खिलाफ कोई सबूत ना मिल सके। और कोई सबूत ना होने के कारण कोर्ट ने सोजर बाई और उसके पति तात्या साहेब को बाइज्जत बरी कर दी। और ठीक 9 महीनों के बाद तात्या साहेब पाटिल के वाड़ा बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। पाटिल के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, एक ऐसा बच्चा जिसका चेहरा किसी जानवर की तरह बदसूरत था, शरीर पर जानवर जैसे बाल थे। तभी पीपल के पेड़ पर बैठा मुंजिया जोर जोर से हंसने लगा। तुमने सिर्फ बच्चा मांगा था, वो इंसान हो या जानवर ये तुमने नहीं बताया था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।